नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे वायरल फीवर या किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के बारे में कुछ जनरली जानकारी आपको दूंगा। जनरली सबसे पहले यदि मैं एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो फीवर आता है उसे दूर करने के लिए एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स से फर्स्ट ग्रेड एंटीबायोटिक, सेकेंड ग्रेड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस प्रकार से एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और उसके कारण यदि फीवर होता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। परंतु दोस्तों वायरल इन्फेक्शन में ये समस्या देखने में आती है कि वायरल इन्फेक्शन हो या उसके कारण वायरल फीवर पैदा हो गया हो, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसके लिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे यदि फीवर बहुत ज़्यादा आ गया होगा तो पैरासीटामॉल देने से फीवर को कम किया जाता है, या बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में दर्द या बॉडी एक हो रहा हो तो वहाँ पर नेमेसुलाई, डाइक्लोफेनाक या इबुजेसिक वगैरह दे करके इस दर्द को कम किया जाता है। इस प्रकार से केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, परंतु कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन ना होने के कारण वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन बहुत आसानी से या इजी वे में ठीक नहीं होते। और वायरल फीवर का जो एक ड्यूरेशन होता है, जो एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट को पूरा करने के बाद ही वायरल फीवर इंसान का पीछा छोड़ता है। जनरली आप देखेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को वायरल फीवर होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, तो उसका जो बुखार है, उसका जो फीवर है, वो 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, इस प्रकार से उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको जरूर पूरा करता है। तब तक व्यक्ति अपना डॉक्टर बदलता है ये सोचकर कि दूसरे डॉक्टर से आराम हो जाएगा, और जैसे ही उस वायरल फीवर का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, उस वायरल इन्फेक्शन का ऑटोमेटिक शरीर से जाना हो जाता है, तो वहाँ पर फीवर उतर जाता है। ये हुई दोस्तों एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात। परंतु यदि मैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मैं आपको आज एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को या वायरल फीवर को बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। दोस्तों होम्योपैथी में वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है। जैसे जनरली यदि मैं कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊं तो बेलाडोना, यूपोटोरियम पर्फ, रस्टाक्स, ब्रायोनिया, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पावरफुल एंटीवायरल होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों यदि वायरल इन्फेक्शन के लक्षणों की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को यदि वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, खासकर जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थरों से पीटा हो, पूरे शरीर को तोड़ दिया गया हो, सारी बोन फ्रैक्चर्स हो गई हो, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है वायरल फीवर के केसेस में। इसके अलावा पूरी बॉडी में रैसेस आ सकते हैं और सर्दी खांसी हो सकती है, कफ कोल्ड हो सकता है या हेडेक भी हो सकता है। तो ये वायरल फीवर के कुछ कॉमन से, कुछ सामान्य से लक्षण हैं जो किसी भी प्रकार का आपको वायरल फीवर होगा तो आपको जनरली देखने में आएगा, चाहे आपको चिकनगुनिया की शिकायत हो, डेंगू की शिकायत हो, या जो अभी एक वायरल डिसीज चल रही हो उसका आपको इन्फेक्शन हो, तो ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर के लक्षण देखने में आते हैं। दोस्तों जो मैं मेडिसिन आपको बता रहा था, जैसे बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में सडनली टेम्परेचर राइज हुआ हो, सडनली आपका तापमान बहुत अधिक बढ़ गया हो, तो बेलाडोना बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो रस्टॉक्स, इपेटोरियम बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा ब्रायोनिया जो है आपकी सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, तो रस्टॉक्स जो है आपके रेसेस को दूर करने का काम भी करती है। इस प्रकार से यदि देखें तो वायरल फीवर के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शन के जितने लक्षण होते हैं, वो ये चारों पांचों दवाओं से कवर हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी पेटेंट होम्योपैथिक दवा के बारे में बता रहा हूँ जो वायरल फीवर में आपको बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम देगी। परंतु मैं यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी दवा आप बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि ये वीडियो केवल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी दवा आप यदि अपनी मर्जी से लेंगे तो आपको नहीं पता दवा बंद कब करना है, दवा की डोज कब कम, कब ज़्यादा करना है, तो आप यदि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये जो दवा है ये किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को 5 से 7 दिन में पूरी तरह से खत्म कर देती है। इस दवा का नाम है दोस्तों, ये SBL की पेटेंट होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है एकेनिल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वायरल इन्फेक्शन लिखा हुआ दिखेगा, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद जितने भी लक्षण होते हैं, चाहे वो हाथ पाँव में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डियाँ दुख रही हो, हेडेक हो, सर्दी खांसी बुखार हो, बुखार भी वो जो अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से इतना अधिक बढ़ जाता है कि पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे दहकती हुई भट्टी या गर्म कोयले पूरे शरीर में रख दिया गया हो। तो इस प्रकार के दोस्तों सिम्टम यदि किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में आते हैं, वहाँ पर यदि एकेनिल ड्रॉप दी जाए तो दोस्तों 5 से 7 दिन में वायरल इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक करके वायरल फीवर और जितने भी लक्षण आ रहे हैं सबको पूरी तरह ठीक कर देती है। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इसके आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे वायरल इन्फेक्शन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको इसका कोई खास रिजल्ट भले ना मिले, पर वायरल इन्फेक्शन में दोस्तों इसका कोई भी तोड़ नहीं है।
यदि इसके कंटेंट की बात करूं दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताया, इसमें मिला हुआ है बेलाडोना। बेलाडोना का दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये किंग ऑफ एंटीवायरल मेडिसिन है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में, जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ था, तो वहां पर भी बेलाडोना देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, जहां पर एलोपैथी ने पूरी तरीके से हार मान ली थी। इसके अलावा देखिए तो रश टॉक्सिकोडन डालने तो रेसेस वगैरह आते हैं, फीवर होता है, इपेटोरिया में तो पूरा शरीर यदि बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत असहनीय दर्द के साथ सर्दी वगैरह हो, और ब्रायोनिया है तो सूखी खांसी के लिए या सर्दी के लिए, या बार बार बुखार चढ़ रहा उतर रहा उसके लिए, या इपिकाक यानी बुखार में यदि साथ में उल्टी या चक्कर आने की शिकायत हो या जी मचलाने की शिकायत हो, तो ये सारी मेडिसिन इसमें मिली हुई है। और इसके अलावा इसमें एक ऐसी दवा मिली हुई है जो आपके अंदर की कैपेसिटी को, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और ये वायरल डिसीज से लड़ने में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों टीनोस्पोरिया कार्डिफोलिया, और ये इसमें मदर टिंचर में मिला है। तो टीनोस्पोरिया कार्डिफोलिया यानी कि गिलोय, और गिलोय को दोस्तों ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, गिलोय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो गिलोय का मदर टिंचर भी इसमें मिला हुआ है। ये सभी दवाएं मिलकर दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है जो बहुत ही आसानी से वायरल इन्फेक्शन को आपकी बॉडी से दूर कर देती है, आपकी बॉडी को इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर प्रोवाइड करती है कि आपकी बॉडी खुद ही इस वायरल इन्फेक्शन से लड़कर, फाइट कर उसे आपकी बॉडी से दूर कर देती है, और आप बहुत ही आसानी से वायरल इन्फेक्शन के जितने भी सिम्टम्स होते हैं या वायरल फीवर होता है उससे बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों एकेनिल ड्राप के प्राइस की बात करूं तो इसका 30 ml का पैक 80 rupees यानी कि 80 rupees का है, और इसकी जो नॉर्मल डोज है बस सुबह दोपहर शाम, आप दिन में 3 बार इसे आधे कप पानी के साथ ले सकते हैं। यदि आप व्यस्क हैं तो दिन में 3 बार 20 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह दोपहर और शाम इस प्रकार से लेना है, और यदि आप चिल्ड्रन हैं तो 5 से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको आधे कप पानी के साथ लेना है। तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में इस मेडिसिन को जरूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।